आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ये पालक पनीर लिफाफा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक पनीर लिफाफा की रेसिपी। फूला फूला ये लिफाफा मसालेदार पनीर की स्टफिंग के साथ और भी मजेदार और टेस्टी लगता है। लिफाफा बनाते वक्त छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स का ध्यान रखने से पनीर की स्टफिंग हर एक कोने में फैली हुई है। और हाँ, दही के साथ तो और भी मजेदार लगता है ये पालक पनीर लिफाफा। तो आइए जल्दी से इसकी रेसिपी चेक करते हैं। तो ये पालक पनीर लिफाफा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। और डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम जितना ब्लांच किया हुआ पालक ले लिया है। उसी के साथ 4 बड़े लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची ले ली है। इन सारी चीजों को मिक्सी में डालकर एक बार पीस लेते हैं और इसके पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पालक को ब्लांच करना बहुत ही आसान है। अच्छे से साफ करने के बाद उसे वॉश कर लीजिए और वॉश करके इसे एक बार बॉइल कर लीजिए। बॉइल करते ही इसे सीधा हमें ठंडे पानी के अंदर डालना है, बिल्कुल कूल वाले वाटर के अंदर। तो आइए जल्दी से अब डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 2 कप जितना गेहूं का आटा ले लिया है। उसी के साथ चिटकी भर के अजवाइन और थोड़ा सा नमक। पालक के साथ अजवाइन का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो डो है ना, उसे नीट करने के लिए हमने जो पालक की प्योरी तैयार की थी ना, उसे यूज करेंगे। इस डो को नीट करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये डो नीट करने के लिए मैंने सारी की सारी प्योरी का इस्तेमाल कर लिया था। तो 2 कप गेहूं के आटे के अंदर करीब 200 ग्राम जितना पालक इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसी के साथ ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो पालक पनीर के लिफाफे के लिए पालक का जो डो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ठीक कर लेते हैं और करीब 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ना एक सूती सा कपड़ा लगा दिया है इसे ढकने के लिए। उसी के साथ करीब 200 ग्राम जितना पनीर ले लिया था और उसे क्रम्बल कर लिया था। अच्छे से मैश कर लेना है। हमें इसकी स्टफिंग जो तैयार करनी है उसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। साथ ही में थोड़ा सा सिके हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और हाँ, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए जो साबुत वाला धनिया होता है ना, उसे क्रश करके डाला हुआ था। तो हमारी स्टफिंग लगभग तैयार है। उसी के साथ डो को रखे हुए करीब 1/2 घंटा हो गए हैं। तो इस डो से एक छोटा सा बॉल तैयार कर लेते हैं, पर ज्यादा छोटा बॉल तैयार नहीं करना है क्योंकि हमें इसके अंदर अभी स्टफिंग भरनी है। तो इसी वजह से जो हम स्टफिंग के लिए पराठे की साइज का जो बॉल लेते हैं ना, उसी साइज का बॉल लेना है। उसी के साथ उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लिया था। तो आइए इसे जल्दी से बेल लेते हैं। बेलने के लिए नॉर्मल जो रोटी हम तैयार करते हैं ना, वही तैयार करनी है, ज्यादा पतली तैयार नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस साइज की रोटी रखी हुई है। जितनी बड़ी रोटी आप बेलेंगे ना, स्टफिंग हम उतनी ही ज्यादा फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर करीब 2.5 से 3 चम्मच के पनीर की स्टफिंग मैंने फिल कर दी है। उसी के साथ इसे फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करते टाइम ना, हम उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे पनीर की स्टफिंग कोने के अंदर भी रहे और जब हम पनीर का लिफाफा खाए तो हमें हर एक कोने में पनीर की फिलिंग लगे। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। चारों कोनों से फोल्ड तो किया, पर चारों कोनों में पनीर की फिलिंग भी डाल दी थी, कोई कोना बाकी ना रह जाए। उसी के साथ इसे थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे क्योंकि अगर हम इसे हल्का सा बेलेंगे नहीं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा मोटा रहेगा। और लिफाफा अगर जरूरत से ज्यादा मोटा रखा ना, तो सेकने के बाद भी इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा मोटा नहीं रखा है, पराठे से थोड़ा और ज्यादा मोटा रखा हुआ है। साथ ही में मैंने तवे को थोड़ा गर्म भी कर लिया था। तो तवा यहाँ पर गर्म ही था, उसके ऊपर जैसे ही लिफाफा डाला हल्का हल्का सा फूलने लग गया, तो उसे पटाख से पलट दिया था। साथ ही में थोड़ा सा घी लगा लिया था, घी लगाकर उसे पलटा दिया। पलटाने के बाद उसे हल्का हल्का सा ना प्रेस करके मैंने उसे सेका था। वैसे एक तरफ से तो बहुत ही अच्छे से सेक गया था, पर जिस तरफ फोल्ड से ना, उस तरफ मैं थोड़ा सा प्रेस करके इसे सेक रही थी जिससे पूरा अंदर तक सिक जाए। और जैसे ही इसे प्रेस कर रही थी ये अच्छे से फूलने लग गया था, तो इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा घी लगा लिया था। रोटी, पराठा, ये सारी चीजें जब हम तवे के ऊपर सेकते हैं और ये बिल्कुल ही फूल जाती है ना, तो समझ जाइए कि आपका पराठा, रोटी, लिफाफा जो भी है बहुत ही अच्छे से सिका है, अंदर तक सिक गया है और उसकी एक एक लेयर अलग हो गई है, जो आगे पीछे से लेयर होती है ना वो। तो यहाँ पर देखिए हमारा पराठा किस तरह से फूल रहा है,
बिल्कुल ही डांस कर रहा था मेरा पराठा मेरे तवे के ऊपर। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा पालक पनीर लिफाफा। आइए जल्दी से गरम गरम इसे सर्व करते हैं। अगर गर्मा गर्म ये सब चीजें खाई जाए ना तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो जल्दी से मैंने थाली परोस ली थी, उसी के साथ दही भी रख लिया था। और आप देखिए ये पालक पनीर का लिफाफा जब हम इसे खोलते हैं ना तो लेयर तो अलग हो ही रही है, उसके हर एक कोने में हमें फिलिंग भी दिखाई दे रही है। बताया था ना मैंने आपको कि उसकी दो लेयर हो जाए तो समझ जाइए अंदर तक सीख गया है। तो गरम गरम ये पालक और पनीर वाले लिफाफे अगर दही के साथ खाए तो इसके मजे ही दुगने हो जाते हैं। बिल्कुल मुझे तो ना सर्दियों में ये वाली चीजें ज्यादा ही टेस्टी लगती है। तो बनाइए आप भी सर्दी के अंदर और एंजॉय जरूर कीजिएगा।